Good morning. In this lecture, we will understand the behavior and the functioning of electrochemical cell. Electrochemical cell is basically such cell which based on the redox reactions. In cell ka pura part redox reaction ke upar nirbhar karta hai. Redox reaction hum simply ye jante hain ki ये दो शब्दों से बना हुआ है जिसमें आर ई डी का मतलब है रिडक्शन और ओ एक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को. ये जो रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है ये रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिक रिएक्शंस हैं. बिना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुए किसी भी सेल में और किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पा सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के आधार पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं. और उन केमिकल रिएक्शंस में दो रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रहती हैं. और रिडक्शन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मान लेते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो कि MSO4, कोई भी हमने मेटल लिया, मेटल का सल्फेट हमने ले लिया और उसी सॉल्यूशन के मेटल का एक इलेक्ट्रोड जब हम इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हैं. कैसे? अगर एम मेटल जो है, ये मेटल जो कि इलेक्ट्रोड का बना हुआ है, अगर ये अपने आप लूज करता है, डिग्रेड होता है, तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा और एन नंबर के इलेक्ट्रॉन को देगा. और जब एम एन पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन में है, हम मान लेते हैं या MSO4 का ले लेते हैं या सिर्फ MN पॉजिटिव का सॉल्यूशन ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रोड हम किसी मेटल का लेते हैं और जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो आयन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होना ज़रूरी है. तो MN पॉजिटिव कैन गेन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग एम सॉलिड. स्पेशली इनके बीच में AQ यानी एक्वस और MS यानी सॉलिड लिखा जाता है. MN पॉजिटिव और जो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालता है इसको हम हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं. और ये हाफ सेल रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस हाफ सेल रिएक्शन में n नंबर के इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं. यानी दो शब्द हमारे सामने आए, एक में इलेक्ट्रॉन का निकलना दिखाई दे रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है. तो इसके इलेक्ट्रॉन के निकलने और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के आधार पर हम इनको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग सेल रिएक्शन के नाम से जानते हैं. अब अगर जो कोई भी केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उसको हम या तो रिडक्शन कहेंगे या ऑक्सीडेशन कहेंगे. तो जब इस केस में इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है यानी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर इस इलेक्ट्रोड में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दूसरे सेल के साथ ऐड करके इजीली मेजर कर सकते हैं. अगर हम इसका एक सेल बनाएं और दूसरे मेजर दूसरे किसी हाफ सेल में ऐड कर दें और इस हाफ सेल में ऐड करने के बाद हम जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इस सेल के पोटेंशियल को इजीली मेजर किया जा सकता है. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिक पार्ट है वो है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में एक हमारे पास ऑक्सीडेशन है, एक हमारे पास रिडक्शन है. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों केमिकल रिएक्शंस आपस में जोड़ दी जाती हैं तो ये सेल रिएक्शन कही जाती है.
और यही आधार है जिसमें कि मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इसी मूवमेंट के आधार पे डैनियल सेल को आसानी से समझा जा सकता है। आइए हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर कैसे डैनियल सेल या गैल्विक सेल को समझा जाता है। इस पूरी सिस्टम में दो हाफ सेल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, एक हाफ सेल और एक दूसरा हाफ सेल, दोनों आपस में इलेक्ट्रोड के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड। और हम देख पा रहे हैं एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाएगा और उस सेल को हम अगर जोड़ते हैं, इसको हम वोल्टामीटर से जोड़ सकते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन हुआ, कितने इसमें लाइट का जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हुई। तो इस इलेक्ट्रोड को जब इसके साथ जोड़ दिया जाता है, इस हाफ सेल जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमेशा ऑक्सीडेशन को दिखाएगा और इसके इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड बोल दिया जाएगा और एनोड में जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। बेसिकली जब कभी भी जब एनोड की बात करते हैं, एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड में हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, तो इस केस में इनके चार्जेस अपोजिट हो जाते हैं। एनोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज तो बाय डिफॉल्ट दिस विल बी टर्म्ड एज द कैथोड विद हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस सेल में होता है ऑक्सीडेशन, इधर होगा रिडक्शन। हम जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन जब भी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और रिडक्शन ऐसी होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यानी रिडक्शन को हम बोलते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया गया। अगर हमारे पास ये हाफ सेल जिंक इलेक्ट्रोड से बना हुआ है और अब इस हाफ सेल के जिंक इलेक्ट्रोड में हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इससे पहले हमने कहा था कि यदि मेटल सल्फेट का कोई सॉल्यूशन हो उसमें उसी मेटल का एक इलेक्ट्रोड हो तो इसमें या तो रिडक्स ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अब इसके अपोजिट साइड में जो कि राइट साइड पर हमारे पास है, अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उस कॉपर सल्फेट में हम कॉपर की रॉड को डिप करते हैं जो कि इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, तो कॉपर सल्फेट और कॉपर के इस कॉम्बिनेशन से इसमें भी एक चार्ज जनरेट होता है। तो हम इस युक्ति को एक तरफ लेफ्ट रखते हैं एक तरफ राइट रखते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में, इस पूरे हाफ सेल में केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगी कि ये जो इलेक्ट्रोड है यह धीरे धीरे डिग्रेड होगा क्योंकि जिंक सॉलिड है, सॉलिड डिग्रेड होगा। क्यों डिग्रेड होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, इलेक्ट्रॉन विल लूज आउट एंड बाय फॉर्मिंग जिंक आयन। जब आयन बना तो हम इसको बोलते हैं इट इज एन एक्वस स्टेट। हम देखते हैं जिंक में टू पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि जिंक अपने दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है इजीली बाय फॉर्मिंग द स्टेबल स्टेट एंड बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर सकते हैं। मींस व्हेन जिंक लिबरेट्स और लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जिंक बाहर निकला, सॉल्यूशन में आया जिंक टू पॉजिटिव के फॉर्म में और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह अब मूव करने लगे इस हाफ सेल से बाईं से दाईं तरफ। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हम जानते हैं जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन हाफ लेफ्ट हाफ सेल से मूव करते हैं राइट हाफ सेल की तरफ तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी राइट हाफ सेल से लेफ्ट हाफ सेल की तरफ। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो
तो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट इस तरीके से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। इसी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे राइट हैंड साइड वाले सेल में आते हैं, तो जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का मतलब है कॉपर टू पॉजिटिव आयन है, तो इसमें कॉपर टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और कॉपर सॉल्यूशन में जो था वो अब इस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब इस डिपॉजिशन के बाद कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म बनेगा और कॉपर एक्वस कन्वर्ट हुआ सॉलिड फॉर्म में। हियर वी हैव द ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड विल परफॉर्म द ऑक्सीडेशन, इट्स इलेक्ट्रोड विल बी टर्म्ड एज द एनोड एंड द चार्ज प्लेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव, एंड इन द केस ऑफ द राइट हैंड साइड सेल दिस इलेक्ट्रोड विल बी टर्म्ड एज द कैथोड and the charge will be placed here the positive one and this right hand side will perform the reduction means it will gain the electron. तो oxidation और reduction के बाद जब हमने देखा कि electron movement करता है लेकिन electricity pass हो रही, लेकिन electricity तभी pass होगी जब हम इसमें एक U shape का, या अभी हम U shape देखते हैं, तो U shape का एक सॉल्ट ब्रिज नहीं डाल रखते थे। अब इस सॉल्ट ब्रिज में हम KCl सॉल्यूशन भर देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम अगर एक ऐसा पदार्थ जो कि इसको बांधे रखता है, अगर सॉल्यूशन KCl का, तो जब हम दो हाफ सेल को इस सॉल्ट ब्रिज से ऐड करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाती। जो वोल्टामीटर है इट फ्लैक्चुएट्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट दिखाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब शुरू हुआ। ये इन दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट करता है, ये कनेक्टिविटी को बनाए रखता है, इसके माध्यम से कैथोड और एनोड आयंस जो है कैनाडाइन और अनायंस मूव कर सकते हैं, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो इट कंप्लीट दी रिएक्शन और कंप्लीट दी सर्किट, कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है। This is the basic concept of electrochemical cell, जो कि reduction और oxidation के ऊपर based है। Left hand side में हम oxidation बोलते हैं। हम इसको अगर याद करना चाहें तो याद करने के लिए हमारे पास एक simple सा साधारण सा तरीका होता है, LON, जिसको हम लोन भी बोल सकते हैं। Means the left hand side cell will always perform the oxidation and A is the anode of this cell, cathode electrode of the cell, and the N indicating the negative charge placed on this electrode. And by default, the right hand side will cell will be termed as the cathode. It will perform the reduction, and the positive charge will be placed on the cathode. We not need to confuse with the charge of the cathode. Here, always the charge of the cathode is the negative one, but because the electricity has been produced by the chemical reactions, so this charge will be just change, the charge will be positive and the charge of the anode will be always negative. Now this half cell can be represented by putting this less sign here. Zinc, this is a solid form, it about to convert into zinc Zn2 positive aqueous, means this indication shows that it is the representation of the chemical reaction here. This chemical reaction, इसमें इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मूवमेंट होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इस तरीके का कहीं दिखता है कि एक जगह पे सॉलिड लिखा हुआ है, अगर स्लैश के बाद चार्ज है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम देंगे। और इसी तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर टू पॉजिटिव आयन है, ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन कॉपर सॉलिड बनता है, तो हम इसको स्लैश से कॉपर सॉलिड दिखा सकते हैं। हेयर the जिंक converting जिंक to पॉजिटिव, कॉपर to पॉजिटिव converting into the कॉपर, दिस वन विल बी नोन एज the रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस तरीके से कहीं पर भी आपको दिखता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। समटाइम्स अभी आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे इसको रिडक्शन बोल रहे हैं हम, और इसको इंडिकेट किया जाता है जब न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को हम रिडक्शन बोलते हैं। अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट करना है तो हम उसे थोड़ी देर में समझते हैं, ई बोला जाता है। जब
इन दोनों केमिकल रिएक्शन को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे सेल की केमिकल रिएक्शन मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको मिटाने के बाद, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेल का जो ऑक्सीडेशन पार्ट था उसमें इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, एक बार फिर से हम लिख लेते हैं, जिंक सॉलिड था, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव में बाय लूजिंग फॉर्मिंग द एक्वस बाय लूजिंग द टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द सेम वे द कॉपर एक्वस कंडीशन गेनिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर सॉलिड, बोथ रिएक्शन विल बी एडेड। और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें सेल रिएक्शन मिलती है वो मिलती है सेल रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस, दीज टू इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट विद ईच अदर एंड फाइनली जिंक टू पॉजिटिव विच इज इन एक्वस स्टेट प्लस कॉपर विच इज इन सॉलिड स्टेट। दिस इज द सेल रिएक्शन। वी विल से दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, बट दिस इज ओवरऑल टोटल सेल रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी सेड द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस इज सिंपली जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक टू पॉजिटिव, द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस इज कॉपर टू पॉजिटिव सॉलिड ऑब्लिक कॉपर सॉरी एक्वस कॉपर सॉलिड। बाय एडिंग दीज टू वी विल रिप्रेजेंट दिस ओवरऑल सेल रिएक्शन लाइक दिस, जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिटन टू प्लस, दिस विल बी सब डिवाइडेड बाय दिस हाफ सेल एंड लेफ्ट हाफ सेल एंड राइट हाफ सेल बाय डबल स्लैश, दिस डबल स्लैश इंडिकेटिंग सॉल्ट ब्रिज। जब कभी भी अगर इस सेल का आपको प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो तो ये हाफ सेल बनाया जाए और ये दूसरा हाफ सेल, लेकिन इस डबल स्लैश से हमें सॉल्ट ब्रिज की याद आती है, तो सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के काम आता है। जिंक जिंक टू में कन्वर्ट हो रहा है जो कि एक्वस फॉर्म का है, और कॉपर जो कि एक्वस फॉर्म का है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन। तो जब ये एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है पूरे सेल का, और अधिकतर न्यूमेरिकल्स में इसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। ईएमएफ होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, यानी एनोड और कैथोड, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझने की कोशिश की थी, इन दोनों को जोड़ के हम एक सेल बनाते हैं। और एनोड और कैथोड दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ई ऑफ सेल से, यानी ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी बात कर रहे हैं, सेल की बात करते हैं। हमने एक बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वह फोर्स है जो कि एनोड और कैथोड, जो कि सेल में है एनोड और कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। और ई सेल अगर हम दिखाएंगे हमेशा ई ऑफ राइट, यानी दाहिने तरफ का, दाहिने तरफ का हमने कहा कि कैथोड, इसको अलग तरीके दो तरीके से लिख सकते हैं, में से जब हम घटा देंगे बाएं तरफ वाला, यानी ई ऑफ सेल हमेशा बराबर होगा ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, या हम इसको बोल सकते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वो दोनों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होने चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में, ये शब्द हमें जरूरी समझना है। बोथ ईएमएफ should be in potential reduction potential, दोनों चीजें reduction potential में होनी चाहिए, तभी यह equation follow करेगा कि difference between the cathode and anode will be termed as electromotive force। कभी कभी इसके लिए एक word भी use होता है standard, जब कभी भी हम standard electromotive force की बात करते हैं cell की तो हम एक sign indicate करते हैं जो कि जीरो है इसके ऊपर, तब जाके ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा। इसी तरीके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द लेफ्ट, ये साइन इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टैंडर्ड में लेके आता है। और ये स्टैंडर्ड का मतलब
हमें समझना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स कहते किसे हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी उनके सॉल्यूशन अगर हमारे एक्सेल लेते हैं तो इनकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए, इनका टेम्परेचर सर्टेन कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए स्टैंडर्ड, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इसको SHE बोलते हैं, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, और E जो हमें बताता है ये होता है इलेक्ट्रोड, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें सब कंडीशन स्टैंडर्ड रखी जाती हैं। कैसे? हमारे पास एक बीकर रहता है, इस बीकर में हम सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, जो कि हम यूजुअली बोल रहे हैं HCl हम लेंगे, और HCl की कंसेंट्रेशन हम लेंगे 1 m, जिसको हम 1 mole बोलते हैं, हम स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और इसमें इस बीकर में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर पास किया जाएगा, और हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए हम एक इनलेट बना देते हैं, यहाँ से हम 1 atmospheric प्रेशर का हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, और गैस पास होगी तो इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड भी ऐड कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रोड होता है ग्लास के अंदर रखा हुआ, जिसको हम प्लैटिनम बोलते हैं, जो कि इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आए। तो ये देखिए इसमें एक वायर ऐड कर रहे हैं, और ये वायर प्लैटिनम की वायर को बता रहा है, और ये इस सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन में पूरा डिप रहता है। यहाँ से H2 गैस पास होगी तो ये बबल आउट करेगा, इधर बबल आउट करेगा, और ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगा। हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड इन 1 atmospheric प्रेशर, एंड द सेम थिंग वी हैव द HCl, HCl इज ऑल इन 1 m, मींस 1 molarity इसकी है। तो जब कभी भी इसको किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है, और इस केस में इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि स्टैंडर्ड है, अब सवाल यहाँ पे आएगी E ऑफ सेल, ये साइन हमने बताया ये स्टैंडर्ड के लिए यूज होगा, स्टैंडर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें कंडीशन हमारे पास है, पहली कंडीशन इसमें मोलरिटी 1 है, और H2 गैस जो पास कर हाइड्रोजन गैस जो पास कर रहे हैं वह गैस 1 atmospheric प्रेशर की है, तो E ऑफ सेल फॉर दिस विल ऑलवेज बी 0, इसका कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 आती है। बाय डेफिनेशन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, एंड द रिएक्शन फॉर दिस सेल इज द हाइड्रोजन, हम 2 इसलिए लिखे, अभी बैलेंस करना होगा हमें, अगर हम 2 नहीं भी लिखे तब भी हमें ये रिएक्शन समझ में आएगी, एच पॉजिटिव विच इज प्लेस्ड इन HCl, वेन एवर इन एक्वस कंडीशन हम बात कर रहे हैं इसकी मोलरिटी 1 m है, इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 कंडीशन है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन करने के बाद इसने बना दिया हाफ ऑफ H2, जो कि H2 गैस, दोनों कंडीशन इसमें अराइज हो सकती हैं, या तो ये H2 गैस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, या ये H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इधर हम लिख सकते हैं सिंपली H2, एंड दिस H2 गैस विल बी इन 1 atmospheric प्रेशर, क्योंकि अगर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन हम बोलें, H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H पॉजिटिव में, और 2H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और बोथ द कंडीशन विल रिमेन द सेम, मींस द स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF विल ऑलवेज बी 0। जब हम इस SHE जो कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला, इसको
डिफरेंट डिफरेंट सेल के साथ जिनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें निकालना हो, जैसे हम सिंपली बात करते हैं फ्लोरीन, जैसे या इसके साथ साथ हम फ्लोरीन के साथ साथ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो हमने सिंपली बता दिया, जब एच पॉजिटिव अगर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये एच टू बनाता है, हाफ एच टू, और इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमें एक ही समझ में आता है, जितनी भी हमारे पास बैटरी होती है, हम जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज हैं, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है और लिथियम का सबसे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और ये एफ सबसे ऊपर है और लिथियम सबसे नीचे है। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली ये फ्लोरीन से शुरू होती है, क्योंकि फ्लोरीन अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है, रिडक्शन पोटेंशियल हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इससे पहले जैसे हमने समझा कि कोई भी अगर मैटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अपने आप में रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन होता है और उसका जो पोटेंशियल हमें मिलेगा, इस केस में फ्लोरीन के केस में जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2F- मिलता है हमें, तो ये 2.87 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करता है। ये बना कैसे? जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात आई थी तो रिडक्शन पोटेंशियल को हमने अलग अलग सेल के लिए निकाला। कैसे निकाला? क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि वी नीड टू पुट द फ्लोरीन टाइप इलेक्ट्रोड इनटू द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे हम रखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ई नोट स्टैंडर्ड। इससे पहले हमने समझा था कि प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन जो रहेगी 1 मोल इसमें रहेगी। यानी जिस किसी की वैल्यू, जिस किसी का भी सेल की हमें पोटेंशियल निकालनी हो, अगर हम उसको राइट हैंड साइड पॉइंट करें, पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एस एच ई जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको पुट करें, और जो फ्लक्चुएशन से हमें जो वैल्यू मिलती है, फ्लक्चुएशन मीन्स जो पोटेंशियल हमें मिलता है इन दोनों के ऐड होने से, जो जनरेट कर पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हम नोट डाउन कर लेते हैं। इस पोटेंशियल को हम नोट डाउन करते हैं, और इस पोटेंशियल को नोट डाउन करने के बाद हम इसकी इसको एक सीरीज में लेके आए कि भाई जिसकी जो वैल्यूज हमें मिली, हमने ये सीरीज को प्लस से लेके माइनस तक लेके आए हैं, और प्लस 2.87 फ्लोरीन का है सबसे एक्सट्रीम, सबसे मैक्सिमम इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा हमें, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलता है लिथियम का, और हम जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल 0 है, और स्पेशली हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और इसको हमेशा लिखने का तरीका हमारे पास सामने आया कि F2 अगर कन्वर्ट होता है ट्वाइस F में, तो हम लिखेंगे कि F2 / F- मीन्स इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इन द केस हम इसको लिख सकते हैं E नॉट यानी स्टैंडर्ड फॉर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू द हाइड्रोजन सिंपल एज गैस, दिस इज गैस एंड एच पॉजिटिव इन एक्वस कंडीशन, तो ई नॉट फॉर एच पॉजिटिव एक्वस कंडीशन इन कन्वर्टिंग टू द गैस इट प्रोड्यूसिंग ओनली द जीरो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी आर अरेंजिंग अदर इलेक्ट्रोड्स बाय देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज और डिक्रीजिंग वैल्यूज, और हम देखते हैं कि लिथियम, अब आज के डेट में लिथियम आयन बैटरीज सबसे अधिक यूज होती हैं, चाहे मोबाइल फोन्स हों या किसी भी तरीके के गैजेट्स हमारे सामने हैं, तो लिथियम आयन बैटरीज की रिडक्शन वैल्यूज माइनस में सबसे कम है, इसलिए रिडक्शन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, इसलिए लिथियम आयन ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जो कि बैटरीज में यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से। तो ये जो सीरीज जो कि एक सीक्वेंस में वैल्यू को रखने पर हमें मिली, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आयन किसको डिस्पोज करेगा, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, किसमें हम फिजिबिलिटी दिखा सकते हैं, कौन सी रिएक्शन बन पाएगी, कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये इस केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द फर्दर क्लियर योर डाउट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल आई डी राइट योर क्वेरीज एंड आई विल कम विद अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसमें